नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर राजनीति करना तेजस्वी यादव के लिए महंगा सौदा साबित होता जा रहा है। गौरतलब है कि 30 लाख से ज्यादा संख्या में बिहार लौटे प्रवासियों की समस्या को जोर शोर से उठाने की बजाय तेजस्वी यादव गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर ही लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं, लेकिन अब वे खुद ही सवालों के घेरे में फंस गए हैं। 2 जून को नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फेसबुक लाइव कर रहे थे। इस दौरान वे मीडिया से भी मुखातिब हो रहे थे। 2 जून को तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलने के दौरान बिहार में खासकर गोपालगंज में हुए कई हत्याकांडों का जिक्र किया। इस हत्याकांड में तेजस्वी यादव ने भाजपा के दिवंगत नेता कृष्णा शाही की भी हत्या को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे और कृष्णा शाही की पत्नी को न्याय दिलाने की मांग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर दिवंगत भाजपा नेता कृष्णा शाही की पत्नी शांता शाही ने तेजस्वी यादव पर राजनीति करने और तब की तत्कालीन सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के नाते कोई कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। शांता शाही का फेसबुक पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शांता शाही ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि उनके पति कृष्णा शाही की हत्या 19 जुलाई 2017 में कर दी गई थी। तब बिहार में राजद और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव तब उप मुख्यमंत्री थे। तब गोपालगंज के तत्कालीन एसपी तेजस्वी यादव के करीबी रिश्तेदार थे और एसपी ने महज 7 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया था। शांता शाही के अनुसार घटना फुलवड़िया थाना क्षेत्र में हुई थी। वह तेजस्वी यादव का गृह थाना क्षेत्र है। इस केस का आईओ और अन्य सभी लोग तेजस्वी यादव के समाज से आते थे। इस मामले में तेजस्वी यादव सिर्फ एक या दो लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं, जबकि उन्हें इस मामले में अन्य लोगों का नाम क्यों नहीं याद आ रहा है? उन्होंने कहा कि तब भाजपा नेता प्रतिपक्ष में बैठे भाजपा नेता के यहाँ उनके दुख में शामिल होने आए थे। तब वे उप मुख्यमंत्री थे, तब वे यहाँ नहीं आए। शांता शाही ने कहा कि घटना के बाद न्याय के लिए वे तेजस्वी यादव के कार्यालय में कई बार मिलने की कोशिश की। वे फुलवड़िया भी आए, तब भी उन्होंने यहाँ आना उचित नहीं समझा। 3 साल तक तेजस्वी को कृष्णा शाही की हत्या का ख्याल उन्हें नहीं आया, लेकिन आज जब चुनाव होने वाले हैं तब वे राजनीति कर रहे हैं। तब वे भूमिहार समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वे यहाँ जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। शांता शाही ने कहा कि घटना के बाद नीतीश सरकार में जब तेजस्वी यादव नहीं है तब उनकी बातों को रखा गया, उनके कहे अनुसार जांच हुई, लेकिन अब तेजस्वी यादव गंदी राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं प्रशासन ने उन्हें मदद नहीं दी, उन्हें सुरक्षा नहीं दी। तब क्या वे सुरक्षा देने आए थे? आज यहाँ की सरकार और प्रशासन उन्हें सुरक्षा दे रहा है। शांता शाही ने कहा कि आज तेजस्वी अपने समाज के भी नहीं है। जब बलेसरा में हत्या हुई थी उनकी समाज के मुखिया की, तब वे क्यों नहीं आए? आज डीजीपी ने उन्हें पूरी मदद की, लेकिन आज वे कृष्णा शाही की हत्या के मामले में न्याय की बात करते हैं। गौरतलब है कि बिहार के गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और विपक्ष बिहार पुलिस पर भी संगीन आरोप लगा रहा है। इस बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस मामले में अपना बयान सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि इस ट्रिपल हत्याकांड मामले में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को पुलिस ने दर्ज किया है और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है। उन्होंने पुलिस पर दबाव में काम करने के लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिस दिन उन्हें दबाव में काम करना पड़ेगा वो नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस पर कोई दबाव नहीं है और ना ही उनके कामकाज में कोई हस्तक्षेप है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।